सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिबा खान एंड आई होप सबका जो रमज़ान है बहुत अच्छा गुजर रहा है एंड ऑलमोस्ट इट्स द एंड ऑफ इट। एंड हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि अपनी हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी रखना चाहिए, वो दैट शुड बी लाइक योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। और रमज़ान में ओवरऑल जो हमारा एक डिसिप्लिन हो जाता है रबीरा, आई फील इट्स लाइक एवरी वन इज़ सो डिसिप्लिन। खाने में आपका एक गैप आ जाता है, प्लस यू नो इतना बाबरकत महीना है, आपकी जो नमाजें हैं सारा कुछ एक रेगुलरली चल रहा होता है। एंड आई फील कि सिर्फ रमज़ान तक इस चीज़ को जो है ना लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, ये इवन बाकी जो 11 महीने हैं आपको उसमें भी अपनी हेल्थ को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और हमारे जो गेस्ट भी आज होंगे वो इसी से रिलेटेबिलिटी में होंगे। बिल्कुल, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करती चलूँ कि बहुत सारी जगह पर इस तरह है कि हमारी एक सोच बन चुकी है कि शायद जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उनकी एक परसेप्शन बन चुकी है कि शायद ये उतने अब दर्द दिल नहीं रखते मरीजों के लिए और वैसे काम नहीं करते जैसे पहले टाइम में करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं वो हमारी कुछ मिसकंसेप्शंस भी दूर करेंगे मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, और उसके अलावा वो हमें गाइडेंस भी देंगे कि किस तरह से बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में ईजिली जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो अस्पतालों में ना सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि वो वेलफेयर के लिए खुद से दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर फ्री। वेलफेयर के अलावा आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट वुमेन नीड टू रियली स्टिक अराउंड, बिकॉज हम जो आज मेजर एक टॉपिक डिस्कशन में भी लाएंगे वो होगा अबाउट यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ब्रेस्ट कैंसर एंड यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, आप किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट्स भी हो सकती हैं। सो यस, जस्ट स्टिक अराउंड। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी हवाले से जो हमारे आज गेस्ट मौजूद हैं वो सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ कुछ टीम मौजूद है, आइए हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं CEO एंड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल मोहम्मद आमिर मियां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर बीइंग विद यू। थैंक यू। और हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं शी इज़ प्रोफेसर डॉक्टर नैयर सुल्ताना जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में इन दी सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। And joining both of them, we have Usman Suleiman, जो कि HOD Marketing है and Business Development for Central Park Teaching Hospital. Assalamu alaikum and welcome. वालेकुम अस्सलाम, thank you very much. आप तीनों से तो हमारी जो है discussion start होगी, we're gonna you know discuss about all the health related and welfare के भी जो आज की हमारी discussion है. But before to begin with, Dr. आमिर, मैं आपसे एक start लेना चाहूँगी कि मुझे बताइए कि जो Central Park Medical College and Teaching Hospital है उसके उसके behind aim क्या था आपका, और especially जो आप कवर कर रहे हैं नो एरियाज उसके बिहाइंड आपका एम क्या है उसके बारे में बताइए। ऐसे कि इस वे बैक इन 2008 कुछ लाइक माइंडेड लोग जो कुछ फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी करना चाहते थे, दे वांटेड टू पास ऑन टू द जनरेशंस, उन्होंने सोचा कि एक हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन बनाए सो दैट दे कैन सपोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ इन द एरिया where they were belonging to in on their way to Kasur, right? Because that was an area jahan log jo hai zara under privileged the and they were devoid of health facilities. To ye health and education foundation unhone banayi taaki logon ko education aur health di ja sake. Is cheez ko combine karke to ye idea develop hua ke why not we have a medical college which will serve both purposes. तो मेडिकल कॉलेज और उसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल, तो दिस इज़ हाउ दिस विजन केम अप एंड द एम एक्चुअली वाज कि जी ये हम सर्व कर सकें उस एरिया को और ह्यूमैनिटी को, एंड स्पेशली फॉर दोज जो कि अफोर्डेबिलिटी भी नहीं रख सकते, जी राइट, लेस प्रिविलेज्ड एरियाज। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस विजन केम अप एंड देन देयर वाज अ टीम ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू ब्रिंग दैट विजन टू दिस स्टेज दैट वी आर नाउ। Exactly. Right. That's a great initiative. बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डॉक्टर आमिर, when it comes to the medical college, तो 2013 में सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज प्रॉपरली हमारे सामने आता है और अब वहाँ पर बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो हर जगह पर काम भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में इस वक्त स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है वो किस तरह का है फॉर द मैनकाइंड, लोगों के लिए? क्या अब डॉक्टर्स का ये परसेप्शन हो गया है कि हम सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर बन रहे हैं और हम लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं बन रहे? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन, वी स्टार्टेड अवर मेडिकल कॉलेज इन 2009। ओके, द हॉस्पिटल एक्चुअली इट केम अप अ लिटिल लेटर। ओके, एंड
Yes, you are very right. Actually, as a nation, you know, we have deteriorated to that extent. कि जो attitudes, जो morals हैं, they have gone down. And no doubt, the product that comes to medical colleges is the same product which comes from this nation. So I think we have generally become, you know, aggressive. We have our attitudes have become less patient, less tolerant as a society. And I think that is something which is also reflecting in this profession. Although we do preach a lot, we do tell that you know, a doctor has three attributes. Of course, the knowledge, the skill, and then the attitude. Yeah. And I actually turn it upside down. I said, I usually tell my students that it's the attitude that should be the priority. Yeah. Exactly. Because whenever, you know, I have to select a doctor, maybe I'll be thinking about who he is as far as his professional competence is concerned, maybe later on, but how is he with me? How is he with his patients? बिल्कुल वो डील किस तरह से कर रहे हैं? एक वो एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, सही बात है. And I am sure at our college we are striving very hard not only to educate our students but to actually tell them about the importance of attitude, sympathy, empathy, you know, concern for your patients, selflessness. This is very important. बिल्कुल ये तो एक basics हैं और अब हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा commercial हो चुकी है. जी जी I do agree that there has been a downfall in the medical profession as it has been elsewhere. Right. And I think elsewhere you can be tolerated, but in the medical profession, tolerance नहीं. नहीं, and you know, just how you mentioned कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक awareness भी ला रहे हैं. And doctor नहीं है, आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम menstrual cycle की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम पाकिस्तान की बात करते हैं, a lot of women, they are facing PCOS, endometriosis, ये सारी जो है बड़ी बहुत common होता जा रहा है, especially in girls. तो आप मुझे बताएं कि उसके क्या, what's the core reason? First of all, diet ये चीज़ें तो हैं, but exactly what's the core reason? And secondly, उससे किस तरीके से आप prevention ले सकते हैं? Okay, so if you talk about the polycystic ovarian disease in teenage girls, तो हम देखते हैं कि बच्चियों का बाज़ुकात उसके साथ हम अगर बाकी features को भी देखें, तो weight बच्चियों का ज़्यादा होगा उस case में, बाज़ुकात किसी बच्ची के चेहरे पे ज़्यादा बाल भी होंगे और उसके साथ menstrual irregularity पीरियड थोड़े से इनफ्रीक्वेंट होंगे या इरेगुलर होंगे. सो ये वेट गेन के साथ भी इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का बहुत ताल्लुक है. अगर हम आजकल अपनी डाइट पे अगर हम देखें तो हमारी जो आजकल जनरेशन है वो देखें ना कि हम क्या खा रहे हैं, मोर इनटू बर्गर्स, पिज़्ज़ा, प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड ना, तो ये जो जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं ये आपके सब चीज़ों को, आपका सब चीज़ें को डिस्टर्ब करती हैं. अब हम लोग खा ही सही रिफाइंड चीज़ें रही हैं, चीनी भी रिफाइंड है, मैदे की आप देखिए हर चीज़, शॉर्मा, बर्गर, पिज़्ज़ा, दे ऑल आर फ्रॉम रिफाइंड प्रोडक्ट्स. तो हमें अपनी डाइट पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. और जो बच्चियाँ इस चीज़ को फेस कर रही हैं उनको चाहिए कि वो अपना वेट रिड्यूस करें, रेगुलर एक्सरसाइज किया करें और अपनी डाइट मॉडिफाई करें. यू आर नॉट टॉकिंग कि आपने भूखा रहना है, बट यू हैव टू मॉडिफाई योर डाइट. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जनरल रूल है कि जनरल रूल है कि आपने ये तो बेसिक लाइफस्टाइल है जो ये तो हर किसी के लिए है, बी इट मैन और वुमेन, इन सब के लिए ये तो सारी चीजें होनी चाहिए. और आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. वही बात है, काफी बीमारियां जो हैं आप ऑलरेडी उनको टैकल कर जाते हो, लाइफस्टाइल बहुत मेजर. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा डॉक्टर नैयर, व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुएशन इररेगुलरिटीज और बच्चियों में और जो कह लें आप 30+ एज्ड वुमेन हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या वजूहत होती हैं कि उनमें मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत प्रेवलेंट होती जा रही हैं? पहले हम सिर्फ सुनते थे कि किसी एजड खातून है तो उसको हम देख रहे हैं इन सब मसलों के साथ, लेकिन अब जो टीनेज लड़कियां हैं उनको भी इश्यूज हैं, तो उसकी क्या वजह है? ओके, इफ यू टॉक अबाउट टीनेज गर्ल्स, सो जब जिस वक्त एक बच्ची को आना शुरू होते हैं पीरियड्स, उस वक्त इट्स वेरी कॉमन कि उसके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, बिकॉज जो एक सिग्नलिंग पाथवे होता है जो आपके ब्रेन से सारा कुछ नीचे ट्रैवल करता है,
सो दैट इज़ नॉट मेच्योर इनफ कि वो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपरली हैंडल करे. सो इससे आहिस्ता आहिस्ता विद इन वन ईयर डेढ़ साल के अंदर वो एच पी एक्सेस जो है वो मेच्योर हो जाता है और उसके बाद साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं. तो शुरू में थोड़ा सा इतना घबराने की बात नहीं होती है, साइकिल एक दफ़ा आया है और दो तीन महीने नहीं आया तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेट हो जाता है. लेकिन अगर किसी बच्ची में परसिस्ट कर रहा है और इसके साथ फिर अगर उसका वेट भी ज़्यादा है, हमने अभी बात की है, तो फिर अब लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है. अगर हम बात करें लाइक 30+ ख़वातीन में कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इन दैट एज ग्रुप, सो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रसौली, यूट्रस के अंदर रसौली जिसको हम फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं. उस अगर कोई फाइब्रॉइड है तो दैट कैन कॉज रेगुलर हैवी पीरियड्स. इन्फेक्शन इज़ अनदर कॉज. इन्फेक्शन की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. ये चीज़ें वो हैं जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेंस्ट्रुअल अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, इसलिए तशखीस करना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की, एक कॉज इज़ सर्वाइकल कैंसर एंड वन अदर कॉज इज़ यूट्रस का कैंसर. यूट्रस का कैंसर थोड़ा 40-45+ पे जाकर ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन यह है कि सर्वाइकल कैंसर को देखना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी खातून को पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद भी दाग लगता रहता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या मियाद से मिलने के बाद ब्लीडिंग होती है, या अगर उसका बहुत वजाइनल डिस्चार्ज, एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज फाउल स्मेल के साथ, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए. क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें हो सकता है कैंसर ना हो, लेकिन अगर कैंसर है तो उसको उसकी इब्तदाई स्टेजेस में अगर पकड़ लिया जाए तो इलाज बेहतर हो जाता है. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हर मेजॉरिटी लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैंसर जिस तरह की बीमारी है. एंड जब बात करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर की, तो डॉक्टर आमिर, हमारे यहाँ 1 in 9 women, you know, they are diagnosed with breast cancer. और ये बहुत ज़्यादा फैलता भी जा रहा है. ऊपर से it used to be a taboo, अब तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस आ गई सोसाइटी में. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर इट, कैंपेन्स ऐसी चलती हैं. लेकिन आप बताएं कि इनिशियल स्टेजेस पे इसको डायग्नोसिस के लिए, यू नो, व्हाट्स द वे आउट, कि आपके इंस्टीट्यूट किस तरीके से यू नो मेजर रोल प्ले कर रहा है इन द डायग्नोसिस, इन द ट्रीटमेंट, एंड स्पेशली जब वो मेमोग्राफी की बात आ जाती है, बिकॉज इट्स ऑल अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर टू बिगिन विद. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो क्रिएटिंग अवेयरनेस है. एंड थैंक्स टू मिस्टर उस्मान, वी हैव बीन रेगुलरली कंडक्टिंग मार्केटिंग कैंपेन्स जिसमें हम पब्लिक अवेयरनेस जो है ऑन ब्रेस्ट कैंसर वो करते हैं, वॉक्स ऑन ब्रेस्ट कैंसर. एंड देन इन द सोसाइटी दैट वी लिव, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें हम सारे जो है होम डोर टू डोर जाके पम्फलेट्स देते हैं सो दैट वुमेन आर मेड अवेयर. तो एक मेरे टीचर थे मरहूम इफ्तिखार मलिक साहब, वो कहते थे कि एनी लम्प इन द ब्रेस्ट इज़ टू बी टेकन एज मलिग्नेंट, दैट इज़ कैंसर अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. सो इट दिस शुड बी मेड क्लियर टू द वुमेन एट लार्ज कि इफ़ यू हैव एनी एबनॉर्मल थिंग इन द लम्प, डू सीक मेडिकल अटेंशन. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी एसेंशियल. वो जब एक्सपर्ट्स के पास आप आ जाते हैं, देन इट मेट बी कि दैट द थिंग दैट यू आर टॉकिंग ऑफ इज नथिंग सिनिस्टर, लेकिन ओपिनियन जरूर लें, अपने ज़ेहन में मत रखें कि नहीं जी हम कर सकते कि पेन नहीं है तो मे बी इट बी बिनाइन और मैलिग्नेंट. ये तो डॉक्टर का काम है और उसे ही डायग्नोस करने देना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई आपको ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी फील हो, लंप या एनी डिफरेंस दैट यू हैव फ्रॉम योर रूटीन, रिपोर्ट टू ए डॉक्टर एंड लेट हिम हैव एन एग्जामिनेशन. एंड देन वी आल्सो रिकमेंड के जी लेडीज़ को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए. सो एवरी मंथ दे शुड एक्चुअली इंस्पेक्ट एंड फील देयर ओन ब्रेस्ट एंड सी फॉर एनी चेंज. तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी उनको उसमें महसूस होती है तो ज़रूर कंसल्ट करें. एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ गैजेट्रीज दैट हेल्प अस आउट. मैमोग्राम इज़ एन एक्सरे जिसमें ब्रेस्ट का जो है वो एक कॉन्टैक्ट एक्सरे लिया जाता है, एंड इट हैज़ अ वेरी गुड रेजोल्यूशन फॉर पीपल हु आर ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज.
सो 40 तक हम इसके 40 एंड बियॉन्ड ही रिकमेंड करते हैं. इन यंगर ग्रुप वी हैव दिस अल्ट्रासाउंड विच इज नोन एज अ सोनो मैमोग्राम. सो अल्ट्रासाउंड इज अ सिंपल थिंग, ब्रेस्ट का सिंपल अल्ट्रासाउंड है, कोई इसमें पेनफुल चीज़ नहीं है. तो जहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ हो तो ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए. फिर अगर कोई सस्पिशियस चीज़ हो तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इवेलुएट करना चाहिए. यू कैन डू ए फाइन नीडल बायोप्सी, वो आम सिरिंज से एक सुई उसमें डाल के लंप में या सस्पिशियस एरिया में तो सैंपल ले लिया जाता है. इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बिल्कुल ऐसे ही है. और मेरा ख्याल है ऐसे कोई भी अगर आपको साइन या सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. और इस हवाले से सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी इज डूइंग वेरी गुड वर्क कि ये अवेयरनेस जनरेट कर रहा है सोसाइटी में. उस्मान, व्हेन इट कम्स टू द अवेयरनेस पार्ट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया, आप क्या समझते हैं कि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज क्या इस टाइम बेसिक रोल प्ले कर रहा है इन द सोसाइटी फॉर अवेयरनेस और हेल्प आउट करने के लिए लोगों को? सबसे पहले तो आपकी टीम का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. आप लोगों ने हमें मौका दिया और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है. थैंक यू सो मच. मेरे मुताबिक अगर आज के दौर में कोई चैनल, टीवी चैनल पॉजिटिव काम कर रहा है पाकिस्तान में तो वो डिस्कवर पाकिस्तान. बिल्कुल, ये पहली बात तो ये हो गई. अच्छा, दूसरा ये था कि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलाज और एक होती है आगाही. तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. जो लोग पहले शुरू से जो चलता आ रहा था कि सिर्फ जब बीमार होते थे तो वो वहाँ तक पहुँचते थे कि अस्पताल तक के जी हमारा इलाज हो. अब हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस दी जाए थ्रू डिफरेंट मीडिया, थ्रू डिफरेंट चैनल्स. उसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सर ने बताया था कि हम अवेयरनेस वॉक्स भी करते हैं, लीफलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसके अलावा हम हर हफ्ते एवरी फ्राइडे हमारा जो है ना वो हम कैंप करते हैं. चूँकि हमारा जो हॉस्पिटल है ये लाहौर से थोड़ा सा बाहर है और इर्द गिर्द तकरीबन कोई 85 के करीब देहात हैं. सही. तो हम जो है वो उस एरिया में जो हमारा वो रिमोट एरिया जो है उसमें हमारी जो मोबाइल टीम है ये जाती है और ये हेल्थ के लिए जो है ना अवेयरनेस भी देते हैं और फिर गाइड भी करते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ के लिए. सो ये कंटिन्यूस जो है ना ये एक हमारी एक्टिविटी है जिसमें हम, हमारा ये होता है कि लोग जो है वो हमारे पास बीमार होके आने की बजाय वो एहतियाती तदाबीर अवेयर हों कि किसी को अगर जो है वो सिम्टम्स हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई उनकी न्यूट्रिशन में मसला है. क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कल्चर है उसमें आपको पता है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं जो हैं, जो फीमेल्स हैं, वो उनको न्यूट्रिशन उस तरह नहीं मिलती. बिल्कुल ऐसे ये प्रॉब्लम जो है ना ये है. सही. और उसकी वजह से जो है वो फिर हमें जो है वो काम ज़्यादा करना पड़ता है. सो हमारी प्रॉपर पूरी एक टीम बनी हुई है जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हम मेडिसिन्स भी लेके जाते हैं साथ. राइट. हर हफ्ते में हमने एक दिन रखा हुआ जो कि हम ये सारा जो है वो सोशल वर्क कर रहे हैं. इसका मकसद ये है कि हम आगाही भी उनको बताएं भी और पहले वक्त से ही आप अपना एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लें. वेरी यू नो राइटली पुट. लेकिन डॉक्टर आमिर, इसी से मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने बताया अभी उस्मान ने कि हम लोग मार्केटिंग भी इस तरीके से, मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं सारा कुछ, बट उन्होंने ये भी बताया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होगी दे कॉन्ट अफोर्ड. राइट. अफोर्डेबिलिटी एक मेजर मसला बन जाती है. सो हाउ इज़ दैट जो सेंट्रल पार्क मेडिकल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अंडर प्रिविलेज लोगों को अकोमोडेट करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जैसे ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी एक मेजर बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं? देखिए, हमारा एक मोटो है कि नोबडी शुड लीव द हॉस्पिटल बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड. सो एनीबॉडी हु कम्स टू द हॉस्पिटल हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट कि जी किसी मरीज को इस बेसिस पे कि जी वो ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता उसको यहाँ से भिजवा दिया. सो यस, देर आर डिफरेंट टायर्स कि जहाँ कोई अफोर्ड कर सकता है वो पे कर दे, जहाँ वो नहीं कर सकता वो उसको हम, एंड वी कैन गो टू द एक्सटेंट दैट हम 100% फ्री इलाज जो है वो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी इशू ऑफ अ पर्सन. लकीली आजकल एक मेजर जो है प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स सेहत सहूलत कार्ड की वजह से बेनिफिट हो रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट जिसकी वजह से जो है वो
treatment is being provided in an insurance. Mm. So the insurance company is being paid by the government, and the government therefore is actually sponsoring the treatment. Aur kafi had tak kuch expenses cover up ho jate hain. It takes care of all the expenses. Yeah. Expenses. So it's a very great service to everybody. So anybody who has the desire to be treated by Sehat Sahulat Card, who is treated by that. Yes. And we offer that service in our hospital to the extent that even cardiac surgeries, even knee replacements, these are expensive type of surgeries, ye sari jo hain, ye ho rahi hai Sehat Sahulat Card. So those who want to avail that, we offer that to them. जिसके ऊपर आपका इलाज पूरा फ्री हो जाता है. अच्छा डॉक्टर नय्यर, कमिंग बैक टू द यू नो फीमेल इश्यूज और इन्हीं की बात करेंगे हम, अगर मैं कामला खातीन की बात करूँ तो वो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी विजिट्स चाहिए प्रॉपर डॉक्टर के. तो आप प्लीज़ ये बताएं कि किस तरह से हम जो हामला खातीन हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं या उनमें अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी डॉक्टर के पास जाना उतना ही ज़रूरी है जितना आखिरी ट्राइमेस्टर में. बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है. इसलिए क्योंकि हमारी खवातीन में ज़्यादातर यही उनका कॉन्सेप्ट होता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी जाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर जाएंगे. लेकिन ये बहुत गलत ख्याल है. मतलब पहले 3 महीने बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. मतलब आप देखें कि एक न्यूट्रिएंट है जिसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड, अब वो पहले 3 महीने में लेना ही ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त वो टाइम है जब बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं और उन ऑर्गन्स को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए. और अगर खुदा न खास्ता उस वक्त फॉलिक एसिड डेफिशेंसी है तो बहुत मेजर इनॉमलीस आ जाती हैं, जिस तरह रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाना जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, सर की हड्डी नहीं बनती, एन एन कैफली कहते हैं, ये लीथल डिसऑर्डर्स हैं, इनकम्पैटिबल विद लाइफ. तो अब ख्वातीन को अगर वो नहीं आएंगी तो फिर डेफिनेटली वो ये भी न्यूट्रिएंट मिस कर देंगी. फिर इस ज़मन में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़ा अच्छा फोरम है मैसेज कन्वे करने के लिए ख्वातीन को, कि एक लड़की इसकी शादी हुई है, शी इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट दैट शी कैन गेट प्रेगनेंट एनी टाइम. Exactly. So she should start taking folic acid. अच्छा, मतलब आपको right immediately after your marriage या फिर आप शादी से पहले भी folic acids ले सकते हैं. बिल्कुल, आप शादी हुई ना folic acid लेना शुरू कर दें तो आप ले रहे होंगे already. आप अगर pregnancy हो गई है तो आप वो जो एक बहुत precious time है जिसमें folic acid चाहिए, आप already folic acid ले रही हैं. और अगर फर्ज करें किसी वजह से आप डॉक्टर के पास थोड़ा डिले चले गए, महीना लेट चले गए, तो आप कम अज़ कम वो चीज़ मिस नहीं हुई आपकी जो आपको शुरू के दिनों में लेनी चाहिए थी. राइट, वही बात आ जाती है कि आपकी न्यूट्रिशन और आपके जो सप्लीमेंट्स हैं, एक डाइट है, ये जो भी आपका खाना है वो सारा कुछ मैटर करता है. चाहे आपका यू नो वेदर इट्स लाइक बिफोर मैरिज और वेदर इट्स आफ्टर मैरिज और आफ्टर अ चाइल्ड. अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और वापस आके हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हम अभी डॉक्टर नय्यर से बात कर रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, और उसी से अब हम लोग रिलेटेड बात करेंगे. डॉक्टर नय्यर, हमें जो बताइएगा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की केयर करना और उसमें किस तरह से फ्रीक्वेंटली चेकअप्स कराना या हॉस्पिटल की जो कंसल्टेंसी है वो रखना ज़रूरी है. ओके, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं एक और बात कहना चाहूँगी. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरी है वो है अल्ट्रासाउंड. वो अल्ट्रासाउंड जो पहले 3 महीने में कराया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी रीजंस की वजह से. एक तो हम ये कि बाज़ुकात जो हमल होता है वो यूट्रस में होने के बजाय फिलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, और फिलोपियन ट्यूब का आपको पता है डायमीटर बहुत थोड़ा होता है और वो एक हद तक एक्सपेंड कर सकती है, एंड देन इट रप्चर्स एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो अगर एक खातून अगर शुरू में अल्ट्रासाउंड करवा ले, उसको पता चल जाए कि ये प्रेगनेंसी इज एक्टोपिक, इट्स नॉट इन द नॉर्मल साइट, सो बाज़ुकात उसके ट्यूब के फटने से पहले अगर उस तरह की चीज़ है कि हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देकर ट्यूब को भी सेव कर सकते हैं और मदर की जान को भी बचा सकते हैं. फिर जो अल्ट्रासाउंड जो शुरू के दिनों में कराया जाता है ये डेटिंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमल की सही ड्यूरेशन क्या है, ये बाज़ुकात आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिन में इरेगुलर होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता. और फिर मैं ख्वातीन से ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि जब वो अल्ट्रासाउंड करवाएं पहले 3 महीने में तो उसको संभाल के भी रखें. वो मिसप्लेस कर देती है, मिसप्लेस कर घुमा देती हैं, उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है. और सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न, और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो क्वेश्चन से पूछा था कि कहाँ कैसे
डॉक्टर साहब घर चेंज किया था, अल्ट्रासाउंड गुम हो गया, शादी आई थी, अल्ट्रासाउंड गुम हो गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह आप अपनी डिग्रीज को संभाल के रखते हैं, प्लीज अपना मेडिकल रिकॉर्ड भी संभाल के रखें। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर अगेन जो एक इम्पॉर्टेंट अगला अगर हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सो हमल के पाँचवें महीने में अगेन अल्ट्रासाउंड इज इम्पॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं इनॉमली स्कैन। दैट स्कैन इज डन टू सर्वे द डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीटस कि उसमें कोई सारे आज़ाद सही बने हुए हैं। और हमारी ख़वातीन यही दो अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में कराना ज़्यादा ज़रूरी है यही दो मिस करती हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्कैंस का एक ढेर लगा होता है। हालांकि अगर प्रेगनेंसी में ये दो अल्ट्रासाउंड करवा लिए जाएँ और प्रेगनेंसी में और कोई पेचीदगी नहीं है तो बाकी अल्ट्रासाउंड ना भी हों लेकिन हम जाते हैं बिल्कुल लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में और बिल्कुल एंड इन टाइम पर, और तब हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये मसला था या वो था। तो ये वाली चीजें मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और लोगों को ये अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ पर हम इतनी सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज आपको बहुत सारी जो इश्यूज हैं उनके बारे में कन्फ्यूजन जो थी उनको भी दूर करें, वहीं पर बात है, इट्स अ मैसिव फील्ड। और जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की और हमारी इकोनॉमी की तो ये इसमें बहुत फायदेमंद चीज़ है। और जब हम ऑलिव प्रोडक्शन की बात करते हैं अबीरा, इट्स अ फैक्ट दैट यू नो बाई 2027 16,000 टन ऑफ ऑलिव्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। एंड पाकिस्तान इज द 19th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल, जो कि हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हमें ऑलिव्स को इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा कैंड ऑलिव्स ले रहे होते हैं या जो भी बाहर के ही यू नो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लोकल फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऑलिव्स की जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे तो आप सब वैसे भी वाकिफ ही हैं। और अगर बात की जाए ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स की, तो जो ग्रीन ऑलिव्स हैं उसमें ज़्यादा सोडियम पोटाशियम और विटामिन ई होता है, और ये आपकी स्किन के लिए, हार्ट के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ हेल्थ केयर, और डॉक्टर आमिर, रिसेंटली अभी फोर्थ प्रॉफ का UHS ने रिजल्ट अनाउंस किया जिसमें सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज का 100% रिजल्ट आया। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट वॉज द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स and the faculty and the prayers of their parents. I think it was a unique outcome ke we were the first college in 48 medical colleges in the UHS to have 100% result, and moreover the second overall position was from our college, Mr. Faizan Ali. Wow. Dr. Faizan Ali. So I think it's a compliment to all of us. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी है। यू नो दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान कि हम लोग हर फील्ड ऑफ लाइफ में कितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कलेक्टिवली यू नो एज ए नेशन। एंड अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द वेलफेयर पार्ट्स, तो मिस्टर उस्मान आपसे पूछना चाहूँगी कि जब फंडिंग्स की बात आ जाती है और जब ओवरऑल आप जिस तरीके से लोगों को केटर कर रहे हैं, जिस तरह बताया अभी डॉक्टर आमिर ने कि फुली फंडेड भी आप लोग जो है इलाज कर रहे होते हैं, तो मुझे बताएं किससे तरीके से आपके पास ज़्यादातर डोनेशंस आती हैं? इज इट स्लोली एंटरप्रेन्योर्स या इस तरह से, या फिर आपका एनजीओस या किसी के साथ भी लिंक है? जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो हमारे सुनने वाले तमाम सामईन हैं उनके लिए, कि सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल है। ठीक है जी, टीचिंग हॉस्पिटल वो होता है जहाँ पर हमारे साथ हमारी अटैच्ड हमारा मेडिकल कॉलेज भी होता है। सो हम लोगों के इलाज पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो किसी भी सोशल सेक्टर से हमारे पास आ रहे हैं, उनकी क्या माली हैसियत है इससे हमें गर्ज नहीं है। हमने उनका इलाज अच्छा और सबसे बेहतरीन जो अवेलेबल है वो करना है। हमारा जो हॉस्पिटल है ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें 21 से ज़ायद शोभा जात है। हम एक कंप्लीट जनरल हॉस्पिटल है। हमारे पास अभी सिर्फ जो है वो आप कह सकते हैं कि कैंसर की केमो नहीं हो रही, इसके अलावा बाकी सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और बल्कि हमारा जो कार्डिक जो है कैथ लैब, और वो हमारी इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है लाहौर में। इवन हमारे पास रेफ़र हो रहे होते हैं PIC से भी पेशेंट्स। सो अब आपके मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है डोनेशंस की और क्यों पड़ती है। वो ये कि अभी इस वक्त हमारी जो OPD है वो ऑलमोस्ट कोई 600 पेशेंट्स पर डे को हम जो है वो इमरजेंसी और OPD को मिला के टच कर रहे हैं।
सो ये जैसे जैसे जो है ये अवेयरनेस भी बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, पेशेंट्स का जो है वो फ्लो भी बढ़ रहा है. हम जिस एरिया में हैं वहाँ पर जो है वो ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ कम है. सो उस एरिया का एक बड़ा हस्पताल 600 बेड का है हम. सो हमें जो है वो उस एरिया के वो 20-25 लाख की जो आबादी है उनकी तमाम जो तिब्बी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखना बड़ी अच्छी चीज़ है. ठीक है. सो हमारे पास जब मरीज़ कोई आता है तो हम किसी को इनकार नहीं करते. हम किसी को ये नहीं कहते कि जी आपके पास पैसे नहीं तो हम इलाज नहीं करेंगे. सो उनके इलाज के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, हमारे डॉक्टर्स और जो हमारा कंसल्टेंसी है वो बिल्कुल फ्री है. उसके बाद फिर आ जाती है हमारी कि उनके अगर प्रोसीजर्स होने हैं तो प्रोसीजर्स की कॉस्ट है, मेडिसिन की कॉस्ट है. सो वहाँ पे हमें हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है. अब से पहले हमारे जो ट्रस्टीज़ थे, हमारे इस इदारे के जो फाउंडर्स थे, वो सारा जो एक्सपेंस था, वो ख़र्चा था, वो खुद अपनी पॉकेट से कर रहे थे. बट ये है कि अब जो है वो हम चूँकि दिन ब दिन आबादी में और पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है, सो अब हम जो है वो कॉल कर रहे हैं, अब हम मिल रहे हैं अपने दोस्तों को. अभी हमारे पास जो है वो कोई फॉरेन फंडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि अभी हमने इस साल स्टार्ट किया है लोगों को मिलना और अपने उनको दोस्त जो फ्रेंड्स ऑफ हमारे सेंट्रल पार्क है उन्हें हम मिल रहे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अब सपोर्ट करें. जाहिर है फंड रेजिंग बहुत ज़रूरी है, वॉलंटियरिंग आ जाती है वो बहुत ज़रूरी है. उसी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली वेलफेयर का काम कर रही है, एक चैरिटेबल यू नो एम के साथ चल रही है, उसको ज़रूरत होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा डॉक्टर नैयर, कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग विद यू, मैं चाहूँगी कि आप एक बार ये बताएँ कि किस जब कोई भी औरत खातीन कोई भी प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद उनका क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए चेकअप्स की, और उन्हें किस महीने किस हफ्ते चेकअप्स करवाने चाहिए, अगर आप एक सीक्वेंस में बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी. ओके देखिए WHO रिकमेंड करती है कि एक हामला खातून को मिनिमम 8 विजिट्स प्रेगनेंसी में ज़रूर करने चाहिए. पहला विजिट पहले 3 महीने में, दूसरा विजिट 5वें महीने में, जब हमने पहले भी बात की कि वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है टू डू एन एनोमली स्कैन, तीसरा विजिट 6 महीने में, चौथा विजिट 7 महीने में, फिर 8 महीने में, और आखिरी 3 विजिट 9 महीने में. दीज आर द मिनिमम विजिट्स जो एक प्रेगनेंट खातून को ज़रूर करने चाहिए. सही. और ये उनके लिए हैं जिनके हमल में कोई पेचीदगी नहीं है. ओके. अगर किसी खातून को कोई पेचीदगी है, जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है या शुगर की शिकायत है या कोई और मसला है, तो फिर उसके जो विजिट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हर नीड बढ़ सकते हैं. बिल्कुल. और वो उसकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टेल हर कि उसने कितना फ्रीक्वेंटली आना है. सही बात है. ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया कि वेरी इन्फॉर्मेटिव कि किस तरीके से एक प्रोसेस है और आपको कितनी टाइम जो है चेकअप के लिए जाना चाहिए. लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर ने, पाकिस्तान का जो है मैटरनल म्यूटिलिटी जो है उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और अगर देखा जाए तो इसकी क्या वजूहात है? जी, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मेटरनल मोर्टालिटी रेशो इज़ वेरी हाई. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसिस इट इज़ 186 पर 100,000 लाइफ बर्थ्स. ये अब ये जो फिगर है ये आप समझ लें कि सेंट्रल पाकिस्तान का समझ लें, अगर आप थोड़ा सा पेरिफ्री में जाएं सिंध और बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप इसको कंपेयर करें विद दी डेवलप्ड कंट्रीज तो आपको आपको फिर पता चलेगा कि ये 186 कितना ज़्यादा है. यूके में इट इज़ 10. ओह वाओ, दैट्स अ ह्यूज. अगर आप आयरलैंड की बात करें तो आपको सुन के हैरत भी होगी और शायद खुशी भी होगी कि नहीं है. यस इट इज़ यू. अच्छा. तो आप ये देखें कि ये जर्नी जो है ना ये एक दो दिन की नहीं होती, ये सालों की होती है. अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाकर देखें, आयरलैंड में 1740 में एक पहला लाइंग इन हॉस्पिटल बना. उनकी माएँ बहुत स्लम्स में, उनकी ट्रीटमेंट वो इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो जाती थी. तो एक भले आदमी ने सोचा कि ये माएँ मर रही हैं तो कुछ करना चाहिए. सो उन्होंने वहाँ पे लाइंग इन हॉस्पिटल बनाया कि वहाँ पे मदर्स की केयर हो और वो उनकी जानें बच सकें. उसी टाइम फ्रेम में हमारे मुग़ल बादशाह ताजमहल बना रहे थे. तो ये फ़र्क आ जाता है ना आपके, वो हेल्थ केयर में कहाँ पहुँच गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन पे, हेल्थ पे. आज वो जीरो पे हैं.
और हमारी हमारे ख्यालात कुछ और तरह के थे, आज हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, वो ज़्यादातर ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अब वो रिसर्च और वो ज़्यादातर उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर चुके हैं अपना। हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं ना, हल निकालना, वे आउट निकालना, हम उस तरफ हैं अभी। और वो वाली बात है कि हर चीज़ डॉक्टर्स के करने वाली नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको कोई इशू है, हमें एज अ नेशन खुद से बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल खुद रखना पहले बहुत ज़रूरी है, और हम फ्रीक्वेंट चेकअप्स को शायद हमारा ना एक कंसेप्ट है कि हम लोग शायद हमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं। देर आर फ्री हॉस्पिटल्स, अगर हम ये सेंट्रल पार्क की भी बात करें तो इनका जो टीचिंग हॉस्पिटल है, दे आर प्रोवाइडिंग लाइक फुली फंडेड चेकअप्स और इस तरह से सब कुछ हो रहा है, बट हम फिर भी लापरवाही कर देते हैं। अभी तक हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ना थ्रू आउट दिस टाइम, उसका बेसिक एक कोर रीजन यही है कि आप जो है रेगुलर चेकअप्स के लिए जाए, नो मैटर वॉट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक चीज बड़ी कॉमन सी है कि घर में कुछ भी बुखार होता है, कुछ भी होता है, बस एक वो दवाई ले ली, एक मेडिसिन ले ली, और गुड टू गो। खुद से ना हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, बट जो मेडिकल कंसल्टेंसी है उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक यू रियली नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर आमिर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप, यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू आर एंड यू मस्ट बी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जितने भी नए आने वाले बच्चे हैं, अब डेफिनेटली अभी जब FSC होगी उसके बाद फ़ौरन ही बच्चों का पूरा प्लान होगा MD कैट के बाद, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। लेकिन MBBS की सीट्स अब आपको पता है सिंस फॉरएवर हमेशा बहुत कम होती हैं, लेकिन पहले और फील्ड्स नहीं थी इतनी, और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि शायद उनका भी स्कोप है या नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर किसी बच्चे का MBBS में एडमिशन नहीं होता तो फिर कौन सी मेडिकल फील्ड्स हैं जिसमें उनका जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है? देखिए, FSC के बाद जब आपने प्री मेडिकल लिया है और आपने मेडिकल प्रोफेशन में जाने का सोचा है, तो इट्स नॉट ओनली MBBS, देन देयर इज़ BDS जो डेंटल सर्जन होते हैं, फिर डॉक्टर्स ऑफ फिज़िकल थेरेपी होते हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल यानी कि पट्ठों के, जोड़ों के, दर्दों के या बीमारियों के जो है वो सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी होते हैं जो कि दवाइयों के, दे कैन रन मेडिकल स्टोर्स, फिर वो फार्मेसीज को रन करने के अलावा फैक्ट्रीज जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, रिसर्च होती है, वो सारों को जो है वो लुक आफ्टर कर सकते हैं। बट डॉक्टर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज हैं, ठीक है, ये सारे वो प्रोफेशंस हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो मतलब वो जो हमारा जो है ना कि जी डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर जो है वो बहुत सारी और हैं जिनमें ये तो वो हैं जो डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा जो नॉन डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मतलब तो बहुत सारी जो पैरामेडिकल सर्विसेज हैं वो हैं। फिर रिसर्च है जो कि हमारे यहाँ मच नीडेड जी। तो आप यानी कि इन मेडिकल रिसर्च, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, इनमें जो है वो जा सकते हैं। तो ये जो है ना, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली बच्चों में जो एक वो है कि जी बस बनना है तो MBBS डॉक्टर ही बनना है। आपने एक अच्छी चीज मेंशन की है कि जैसा आप जेनेटिक और मॉलिक्यूलर रिसर्च की बात करें, हाउ डू यू फील डॉक्टर आमिर कि पाकिस्तान में लोग ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमारे यहाँ के डॉक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इवन व्हेन इट कम्स टू वेटनरी साइड, तो वेट्स पे भी देखा जाए तो वो फोकस नहीं होता, या पेरेंट्स इतनी उस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे होते कि नहीं ये क्या मतलब जानवरों के लिए या उस चीज के लिए काम करना है या इंसानों को बचा लो। देखिए, आई थिंक हमारा माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है एंड कैटल इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और हमने उस पर अनफॉर्चुनेटली, मैं ये कहता हूँ कि हमने एग्रीकल्चर पर तवज्जो ही नहीं दी, मतलब कैटल फार्मिंग, अदर फार्मिंग। तो ये रिसर्च होगी, इन पे लोगों के जो है एटीट्यूड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और फिर ये है कि उनको कोई कमसर ना समझे, आई मीन ट्रीटिंग एन एनिमल हु कांट स्पीक, वो ज्यादा एक अच्छी चीज है rather than you know, even जब आप humans की बात करते हैं वो एक empathy आ जाती है। जो आपने कहा initially आप ये बात कर रहे थे कि हम empathy lack करते हैं, वो sympathize नहीं करते, हम सिर्फ बहुत money minting side पे जा रहे हैं। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा उसको हमें अपने जो है ना egos को जरा ठीक करना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है जब हम इंसानों के डॉक्टर हैं तो इंसान तो हमें बता देता है कि हमें ये मसला है, लेकिन अगर कोई वेट है तो वो तो उसको नहीं बता सकता। एंड आई थिंक दैट्स मोर डिफिकल्ट। मुझे हमेशा से ये बहुत डिफिकल्ट लगता था कि हाउ टू डायग्नोस यू नो अ कैट और अ डॉग, किस तरह से वो बता नहीं सकते। एंड यू हैव टू, बट दैट्स वेरी आई थिंक उसमें ज्यादा आपको एक वो टेक्निकली देखना बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डॉक्टर आमिर, वही वाली बात जो अभी पहले, मतलब हमारा ना एक सोशल वो माइंडसेट बना हुआ है कि हमने MBBS ही करना, चाहे हम मुल्क पार जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में जाएं। अब अगर हम एक देखें मेजर पिछले सालों में, पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो रशिया, चाइना और इस तरह बहुत सारे ममालिक में जहां पर बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे MBBS की डिग्रीज मिल रही हैं और वापस वो पाकिस्तान जब आते हैं तो यहाँ पे PMC क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी तो बच्चों का फ्यूचर डिटेन होता ही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इस एक फील्ड के पीछे अपने मुल्क से बाहर जाते हैं बगैर जाँच पड़ताल किए और वापस आते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली तो ये है कि ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स जो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो बने, उन्होंने बहुत सारा ये जो ब्रंट है ना वो टर्न डाउन कर दिया। बिकॉज ए इन एनी केस जो डॉक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में बाहर UK चाइना या रशिया में जाते हैं, वहाँ वो उनका पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूर गेन करते हैं, वो भी पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो कितना समझ पाते हैं, फिर उनको यहाँ आके इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है, बड़ी हार्डशिप्स होती हैं, फिर हमारा एक NEB एग्ज़ाम होता है, नेशनल इक्विलेंसी बोर्ड, कि जहाँ वो बाहर से पढ़ के हैं तो फिर यहाँ वो उन्होंने प्रूव करना है, वो कई कई साल जो है वो उसमें से, सो दे आर स्टक देयर नाइदर दैट वे ना इस तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने पैशन है और के जी करना ही करना है और बाहर जाना है, तो दे मस्ट सेलेक्ट ए कॉलेज विच हैज अ रिप्यूट। बिल्कुल, ये वो तो बहुत मेजर है, इंस्टीट्यूट का नाम जी, इंस्टीट्यूट देख के तो फिर जरूर जाएं। बट आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी इज नाउ अवेलेबल हेयर इन पाकिस्तान, सो मैनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। बिल्कुल, लेकिन अब तो सीट्स वहाँ पर भी नहीं मिल पाती हैं, ये भी दैट इज अ जस्टिफाइड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि अब जब से सेंट्रलाइज हुआ है उसके बाद दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट हेयर एज वेल। पहले तो ये परसेप्शन थी कि शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यूँ ही एडमिशन मिल जाता है, बट यू आर अ CEO, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, आपको पता है कि ये कितना डिफिकल्ट है अभी भी। मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हमारे यहाँ जो FSC प्री मेडिकल करते हैं उनमें से ओनली 10% आर एबल टू गो इनटू अ मेडिकल कॉलेज। सी, इट्स अ बिग डिफरेंस। कितने लोग जो हैं वो स्ट्राइव कर रहे होंगे और कितने एक्चुअली कैन मेक इट। और फिर द एंट्रेंस सिस्टम है, उसमें जो है MD CAT जो है मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो होता है, ये एक गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, तो इसमें भी अच्छे खासे जो है ना वो लोग जो है ना वो अपीयर होते हैं, जस्ट लाइक CSS जी, एंड ओनली 10% एक्चुअली गेट थ्रू, सो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, बट ऑल द सेम कॉम्पिटिटिव मिल में से जब गुजरते हैं तो प्रोडक्ट्स तो जाहिर है फिर अच्छे ही होते हैं। नहीं, बात की ना, एडमिशन लेना एक सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद वो जॉब अपॉर्चुनिटीज का होना, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से बहुत सारे बच्चे MBBS करने के लिए मुल्क से बाहर भी जाते हैं और पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, बीट प्राइवेट पब्लिक तो पहले से ही थे, तो ये सब के बावजूद डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं और इसी के बारे में अब हम बात करें। बिल्कुल, और डॉक्टर आमिर ये बता रहे थे कि आपको एडमिशन मिलना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एडमिशन मिल जाता है लेकिन उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप पढ़ भी लेते हो, आपका मेडिकल की सारी यू नो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटीज जब जॉब के मामले में आती हैं वो बहुत कम होती हैं। सो यू नो डॉक्टर नहीं है, आपसे मैं पहले एक व्यू पॉइंट इसके बारे में लेना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके इतनी ज्यादा आप अपने इतने ईयर्स इन्वेस्ट करते हो, पहले आपको एडमिशन लेने में इतना मुश्किल है, देन पढ़ाई इज होल प्रोसेस, लेकिन जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं और जब आप मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, डॉक्टर्स की एक इनिशियल स्टार्ट होती है वो इतनी छोटी अमाउंट से होती है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हमने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें वो आउटकम नहीं नज़र आ रहा। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
ये सवाल जो है इसमें इसके बहुत सारे पहलू हैं और जी इस पर बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से बात हो सकती है। यस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, इतना पढ़ता है, और बाय द टाइम आप डॉक्टर जब आप MBBS कंप्लीट करते हैं आपकी उम्र 23 साल तक हो चुकी होती है, फिर आप हाउस अब तो 25 प्लस है, अब एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम पास करते करते जो सारे दरमियान में सो आप एक उम्र तक पहुंच जाते हैं जब आप शादी के आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन वो अर्न ही उस तरह से नहीं कर रहे होते, वो स्टेबल नहीं होते, वो स्टेबल नहीं होते, और जो एक बेसिक सैलरी पैकेज होता है डॉक्टर का, और आजकल आपने देखा है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, तो उसमें तो अपना लाइफस्टाइल बेसिक नीड्स को भी मेंटेन रखना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। और फिर लोगों का जनरल क्या ख्याल होता है कि ये तो कौम की खिदमत करने के लिए डॉक्टर बने हैं ना, लेकिन ऑब्वियसली वो आप अपने पर्सनल ग्रुप के लिए कि डेफिनेटली वो पहलू इसमें शामिल है, बट इट्स अ प्रोफेशन एज वेल। मतलब मैं ये देखूंगी लोग जो हैं वो एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग डिलीवरी के बाद चाहे लाखों रुपया मिठाई बांटने में लगा दें, लेकिन जब डॉक्टर की फीस की बात आती है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब डिस्काउंट कर दें, उधर भी हैगल कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी ट्रू कि आप किसी डॉक्टर की जो उसकी स्ट्रगल्स हैं उसके लिए यू कैन नॉट पे ऑफ। और वैसे आप ये बहुत अच्छी आपने पॉइंट आउट किया है, एंड आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना भी चाहिए। देर आर सम डॉक्टर्स जो इतना कम चार्ज करते हैं जितने में वो कहते हैं ना कि आपके बच्चों ने ना बाहर से टेन्स एंड कैंस पकड़े होते हैं और वो चिप्स बॉटल्स और सब कुछ खाते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर की जब फीस देने की बात आती है तो माइंड सेट की बात है ना, जैसा डॉक्टर आमिर ने कहा माइंड सेट की बात है। आप क्या कहते हैं, प्लीज कंटिन्यू। यही बात है, फिर आपने ऐसा भी देखा है, हमने इस तरह भी देखा है कि लोग प्राडो से उतर रहे होते हैं, MG से उतर रहे होते हैं, और अंदर तल्ला कहते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, वो भी नहीं आता फैक्टर पे। या लेकिन एक जनरल ना लोगों का कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टरों को उधर तो कौम की खिदमत के लिए, ये तो बड़ा बहुत बड़ा दुख है मुझे, डॉक्टर आमिर की शक्ल पे सारा फोकस होना चाहिए। ही इज जस्ट क्वाइट एंड लाइक अच्छा आई विल ऐड ऑन टू इट। डॉक्टर आमिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, because I think you were more eager to answer that. देखिए of course every profession has the way that he has to earn for the living load. डॉक्टर का मैं ये समझता हूँ कि equally important है कि उसने भी एक जिंदगी में कुछ कमाना है, खाना है, but I think के डॉक्टर बनने के लिए मैं students को जो अभी inspiring doctors हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये आप पैशन है तो आप डॉक्टर बने। प्लीज़ ये जेहन में मत रखें कि जी आपने वो जो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग लोगों को देखा है कि जो बहुत एक्सेल करके बड़े वेल ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सो प्लीज़ अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो पैशन है टू डिलीवर, टू सर्व, फिर अल्टीमेटली रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, तो तब आप इस प्रोफेशन में लेकिन सब्र रखें, तब सब्र रखें। यस यू हैव वो तो गए हर फील्ड का, आई थिंक टू रीच समवेयर कोई भी फील्ड अगर देखी जाए उसमें भी आपको पेशेंस और टाइम लगता है। नहीं मैडम, बाकी चीज जो है ना, आप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के तो आप 2 साल बाद ही यू आर इनफ, यू हैव इनफ टू टेक केयर ऑफ योर होम। डॉक्टर तो मां-बाप के सर पे जो है ना 10 साल तक रहता है, डॉक्टर बनने के बाद भी हाउस जॉब में, उसके बाद भी जो है फिर वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ट्रेनिंग में भी ही डजंट हैव इनफ टू सस्टेन, तो फिर जाके कहीं कोई कुछ पाता है। बिल्कुल वही वाली बात है ना कि बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें हम लोग मिस्टेक्स करने की हमारे पास मार्जिन होता है, वी कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन जहाँ पर हम अपने मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पर देर इज़ नो मार्जिन। हमें हर चीज़ में बहुत एहतियात के साथ रहना होता है, और ये बहुत ज़रूरी है लोगों का भी इस बात को समझना कि कितना पेनफुल होता है। नो वंडर मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स दे गेट मैरिड एट लाइक लेटेस्ट स्टेज इन लाइफ, है ना। बिल्कुल ऐसी है, ये एक मेजर वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है। मैं सर की बात को सेकंड करूंगी कि मतलब ये सोच कर आप इस प्रोफेशन में ना है कि मैं कमाने के लिए आया हूं। बिल्कुल ये सोच कर इस प्रोफेशन में यू हैव टू सर्व, यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ, है ना। और मेरा ख्याल है इसके बगैर कोई डॉक्टर बन भी नहीं पाता। इवेंचुअली ये चीजें आपके साथ अटैच हो ही जाती हैं व्हेन यू आर इनटू ह्यूमन इंटरेक्शन, और लोगों के दुख दर्द सुन सुन कर भी ना आप में एक एम्पैथी और ये सारे रोल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं विद प्रैक्टिस। अच्छा डॉक्टर आमिर, जब हम बात करते हैं खातीन की, तो जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में आती हैं, मेडिकल में जाती हैं, लेकिन राइट आफ्टर द
कम्पलीशन ऑफ द डिग्रीज मोस्टली की शादियाँ हो जाती हैं और वो उसको प्रज्यू नहीं करती. आप क्या समझते हैं इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो किसकी है, सोसाइटी की या लड़कियों की खुद की? मेरा ख्याल है कि जो हमारी सोसाइटी है ना वो डॉक्टर बनाने के लिए, उस ब्रांड के लिए जो है ना डॉक्टर बनाने के उसमें है कि अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे ख़ासतौर पे लड़कियों को, और एक स्टेटस होगा कि जी हमारी बहू डॉक्टर है. एंड मैनी ऑफ देम आर फिर नॉट इन टू प्रैक्टिकल लाइफ. अभी इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 60% ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट वर्किंग. तो हमारी एक मेजर चंक ऑफ रिसोर्स जो है वो ज़ाया हो गया. और मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये जो डिसीजन चंद साल पहले हुआ था कि जिसमें ये कहा था कि जी ओके ओपन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी. पहले ये होता था कि 50% लड़कियाँ और 50% लड़के होते थे. नेचुरली लड़कियाँ बहुत शार्प हैं, दे आर ब्राइट, और मेजॉरिटी में ये है कि अबाउट 70% लड़कियाँ जो हैं एडमिट हो जाती हैं. सो दैट इज़ वाई एक सूडो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स क्रिएट हो जाती है. आई थिंक देर इज़ ए नीड टू एड्रेस कि पॉपुलेशन बेस्ड जो है ना वो सीट्स हों. दिस इज़ समथिंग विच इज़ द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट, बट दिस इज़ माई वॉइस कि जी लड़कियाँ लड़कों को जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट्स होनी चाहिए, सो दैट द मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स आर द ब्रेड अर्नर्स, उन्होंने घर चलाने हैं. और लड़कियों ने डॉक्टर बन के सीट्स यूज करके अगर घर में बैठना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट जस्टिफाइड. वेरी राइट, क्योंकि वो एक सीट यूटिलाइज हो सकती है किसी और से, तो वो मतलब आप उसको बिल्कुल इसे कहते हैं जाया कर दिया. डॉक्टर नैया, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, स्पेशली व्हेन यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ एंड बीइंग अ फीमेल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी जो जिसने डॉक्टर बनना है उसने उसको पहले सोचना चाहिए कि वो बन क्यों रही है. उसको अपने आप से सवाल करना चाहिए वो बन क्यों रही है. सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पे बन रही है या सिर्फ एक ये कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा या एक्चुअली शी वांट टू सर्व. फिर अगर डेफिनेटली शादी आपका ज़िंदगी का पार्ट है तो ज़रूरी है. आप उसके लिए अपने ना प्रोफेशन को छोड़ सकते हैं ना प्रोफेशन के लिए शादी को छोड़ सकते हैं, ना ये करना चाहिए. लेकिन जो आपकी अगर शादी के बाद आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. फैमिली को हस्बैंड को सपोर्टिव होना चाहिए. मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरी अपनी एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है कि जिसकी MBBS में शादी हो गई. अच्छा. और उसने MBBS पे उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, उसने कराया और अब वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रही है. बिकॉज शी हैज दैट सपोर्ट ना, इन-लॉज की फैमिली की एक सपोर्ट है. तो अगर आप एक डॉक्टर बहू लेकर आ रही हैं तो फिर आप उसको सपोर्ट भी करें. हाँ, फिर वो मेंटली जो है ना प्रिपेयर्ड भी रहे और एक परसेप्शन अगेन आ जाता है, अपना माइंडसेट जो है थोड़ा ब्रॉड करें, अपना विजन थोड़ा चेंज करें. और अब किसी ने अगर इतना इन्वेस्ट किया अपना टाइम अपनी एनर्जी यू नो व्हेन इट कम्स टू इवन फाइनेंसेस, तो उसकी यूटिलाइजेशन भी उतनी ही होनी चाहिए. बिल्कुल, जब डॉक्टर बहू चाहिए तो फिर उसके नखरे भी उठाने के लिए तैयार रहे सब. Then coming back to you, Usman, आप हमें ये बताएं कि Central Park Medical College पहले तो बहुत सारे काम कर ही रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं फॉर द मैनकाइंड? जी मैं बताता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा हम बात पहले कर रहे थे हेल्थ के हवाले से, तो उसमें मैं एक चीज़ जो है वो ऐड करना चाहूँगा कि अब जो हेल्थ है ना वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं. ये पिछले जो हमने कुछ अरसे में देखा कोरोना वायरस, कॉन्गो वायरस, ये वायरसेस के जो अटैक्स हैं, इसके बाद अब जो है वो दुनिया जो है वो सोच रही है कि हमें अब चूंकि एक ग्लोबल विलेज बन गया, अब हमें हेल्थ जो है ना वो पूरे अपने इकोसिस्टम की चाहिए. अब हमें हेल्थ जो है ना वो पेड़ पौधों की भी चाहिए. अब हमें हेल्थ अपने जो पेट्स हैं, जो एनिमल्स हैं जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन है, अब हमें उनकी भी चाहिए. सो ओवरऑल जो है वो हमें अब जो एज अ ह्यूमन बींग, सिर्फ ये नहीं मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी हैं या लाहौर के रहने वाले लोग हैं या हम इंसानों को अब अपने पूरे माहौल को सेहतमंद और साफ रखना है और इसके ऊपर हमने काम करना है. तो बाकी जो जैसे बात हो रही है सर ने इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारे जो फ्यूचर के हम जो प्लान्स हैं. देखिए ये एक बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल है, इसके साथ हमारा मेडिकल कॉलेज है और हमारा हॉस्पिटल है.
हर हॉस्पिटल अपनी ग्रोथ करता है, अपनी जो पेरिफेरी है उसकी, इर्द गिर्द का जो एरिया है उसकी ज़रूरियात के मुताबिक। सो इसके जो हमारे प्लान्स हैं उसमें सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेहतर ज़रा थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारी जो है वो फ्यूचर में अब हम मज़ीद क्या इजाफा करना चाह रहे हैं जिनमें, तो सर आप प्लीज़ जरा बिल्कुल डॉक्टर आमिर आप बताइएगा। वी हमें एक मेडिकल कॉलेज तो रन कर रहे हैं, एक उसके साथ एक हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं, बट आई थिंक वी नीड ए इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बिकॉज नर्सिस प्राइमरी वो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं। बिल्कुल, चूँकि जो मरीज के साथ इंटरेक्शन है ना वो नर्सिस का है, और जितनी अच्छी आपकी नर्सिंग सर्विस होगी उतनी एक्चुअली आपकी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा। तो इसमें हमारे पास बहुत डेफिशिएंसी है, सो वी थिंक वी नीड टू हैव ए नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वी नीड टू हैव अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, ताकि हम इन चीज़ों को जो है ना, जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, इनको हम ले सकें आगे साथ हमारे। एंड वी ऑल्सो intend to have a dental college with our institute. Great. So मतलब आप different broad उसपे perspective में देख रहे हैं। I think we should go and widen our scopes. हाँ, that is important. जी, because in this area कोई dental college भी नहीं है, so we looking for that. ठीक है, and when it comes to volunteering, तो doctor आमिर volunteering की बात की जाए, तो वो किस तरीके से कोई भी अगर interested है, वो किस तरह से participate कर सकता है? वॉलंटियरिंग फॉर द सर्विसेज इन द हॉस्पिटल, यस। देखिए अभी भी हमारे पास लोग हैं जो आते हैं और आके जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे सिट फॉर कपल ऑफ आवर्स और मरीज़ देखते हैं, और वो हॉस्पिटल के मरीज़ होते हैं, एंड दे डोंट चार्ज एनीथिंग एंड दे गिव द सर्विसेज टू द हॉस्पिटल। तो दिस इज़ देयर डिफरेंट स्पेशलिस्ट हु कम एंड वॉलंटियर फॉर देयर उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली यू आर आल्सो यू नो गिविंग समथिंग फॉर मैनकाइंड। एग्जैक्टली, ये जो फीलिंग होती है इसके लिए तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। डॉक्टर आमिर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग जैसे क्वैकरी स्टिल बहुत आम है, तो नीम हकीम खतरा जान को आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, क्वैकरी की जो रूट्स है ना वो ये है कि एक तो डॉक्टर्स का अपना एटीट्यूड, सबसे पहले अगर डॉक्टर्स वो क्लोज टू दी कम्युनिटी होंगे तो क्वैकरी एट वुड बी टेकन ओवर। सेकेंडली ये कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हमारे पेरिफेरल एरिया, हमारे इस वक्त जो है ना वो 1.12 डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन है, जबकि 2 रिक्वायर्ड होने चाहिए, सो वी आर ऑलमोस्ट हाफ नाउ। ये डॉक्टर्स जो हैं एक तो कम, दूसरा ये है कि जो रूरल एरियाज में है नहीं, जब वहाँ नहीं होंगे तो अल्टरनेटिव शहरी होगा, दैट वुड कम अप, दैट इज़ वेयर क्वैकरी इज प्रमोटेड। सेकेंडली इकोनॉमिक फैक्टर, आई मीन हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो दे आर नॉट कंसर्न कि जी ये बंदा जो है ये क्वालिफाइड है कि नहीं है, बस उसको कोई टोटका दे देते हैं, कंटेंट हो जाते हैं कि ठीक है। सो आई थिंक इट्स मल्टीपल थिंग्स दैट हैव टू बी एड्रेस्ड, सो क्वैकरी इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे वेरी अर्ली, बिकॉज यू नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस। देर आर लेजिस्लेशंस के जो क्वैकरी के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो इफेक्टिव उस वक्त होंगे जब आप उनको अल्टरनेटिव दे सकेंगे। सही बात है, वरना वही बात है कि सिर्फ सिटीज तक अगर फैसिलिटीज महदूद रह जाएंगी तो जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव और बस्तियां हैं, उनके पास और कोई वे आउट नहीं रह जाता। एंड सिंस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, डॉक्टर नैया मैं आपसे कोई लास्ट एंड नोट्स, समथिंग शॉर्ट एंड क्विक फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, सो मेरा ख्याल है कि खातून और उसकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी खुद भी लेनी पड़ेगी कि उन लोगों ने उसको कैसे टेक केयर करना है। और एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव अ प्रॉपर रेफरल सिस्टम एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर मिडविफरी, और उसका वेस्ट में भी घर में डिलीवरीज होती हैं, लेकिन उनका पूरा एक कनेक्टेड सिस्टम है, दे रेफर अर्ली और दे डोंट टेक दैट डिलीवरी जो कि जिसपे कोई कॉम्प्लिकेशन है, जिसको वो घर में करें। सो हमारे यहाँ ख्वातीन को, उसकी फैमिली को ये देखना चाहिए कि वो एक तरबियत याफ्ता हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास ही जाएं, और जब तक हमारा कोई ऐसा प्रॉपर रेफरल सिस्टम नहीं है तो दे शुड गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि जब तक दाई एक केस को रेफर करना शुरू करती है
जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल आती है बहुत देर हो चुकी होती है। सही, बिल्कुल ऐसे। और यही वजह है हमारी मेटरनल मोर्टेलिटी की कि वो इतना ज्यादा है। हाँ, और प्रॉब्लम भी रूरल एरियाज में ही है और प्रॉब्लम भी ज्यादा अनएजुकेटेड लोगों में ही है। तो इनको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। बिल्कुल ऐसी वो एक इंडिविजुअली अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर, आप एंड पर क्या हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे, कोई मैसेज, कोई पैगाम आपके हवाले आप देना चाहेंगे या अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से आप देना चाहेंगे? देखिए, एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि मेडिकल एजुकेशन को सीरियसली लेना है जब आपके पास पैशन होगा। सेकेंडली, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम जो मेन करप्ट राइज होती है, क्रीप अप होती है, वो है एटीट्यूड की। और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो इस तरह होना चाहिए कि वर्क बेस्ड असेसमेंट्स, जो एटीट्यूड, हम एट द एंड एक इम्तिहान ले लेते हैं, बच्चा अच्छा दे देता है इम्तिहान तो वो अच्छे नंबर और पास हो जाता है। जो एटीट्यूड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको चेंज करना, सो दैट वी इवेलुएट द पर्सन, द स्टूडेंट थ्रू आउट द 5 years दैट ही इज इन ट्रेनिंग, तो पता चलेगा कि उसका एटीट्यूड कैसा है और उस एटीट्यूड के बेस पे उसकी जो है ना वो फाइनल असेसमेंट हो, तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट अच्छा होगा। ऐसे ही सही बात है। एक स्कूल की एक वो ट्रेनिंग आ जाती है, आपकी एक पर्सनल ग्रूमिंग आ जाती है, फैमिली का सेटअप आ जाता है। एंड थैंक यू सो मच उस्मान, आपका, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर नैया, आप तीनों ने बड़े हमें एक डिटेल्ड डिस्कशन में बताया है कि स्पेशली यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट हैविंग रेगुलर चेकअप्स और एक जो मेडिकल कंसल्टेंट को दिखाना है ना उसकी इम्पोर्टेंस पे आपने बड़ा अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों को सलाम पेश करते हैं जो कि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल के थ्रू आम इंसानियत के लिए इतना बेहतरीन काम करें और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी बहुत बेहतरीन काम करते रहेंगे।